हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन निखिल स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 12 हिंदी व्याकरण, जिसमें टॉपिक है मैं अलंकार। जैसा कि आपको पता होगा कि हर साल बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन उठते हैं या पूछे जाते हैं, और ये 2 नंबर की एक अलंकार होती है। इसी तरीके से आपकी 3 डेफिनेशन पूछी जाती है और 6 नंबर की होती है। तो आपको पता है हिंदी के नंबर कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं। हिंदी के नंबर से हमारी अच्छी परसेंटेज बन सकती है, और अच्छे परसेंटेज से जानते हो कि क्या क्या होता है। तो हमें अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए हमें सबसे हमारा आसान सब्जेक्ट हिंदी ही है, तो हिंदी हमें 1 भी नंबर नहीं गंवाने चाहिए। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें से एक टॉपिक क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बहुत बार पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी ये इस साल पूछा जाए, तो आप इसे अच्छे से याद करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, श्लेष अलंकार। तो इसकी हम परिभाषा बताएंगे और साथ में बहुत आसान तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल देंगे। इसकी परिभाषा क्या है जानते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं, उसे श्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। या आप अपने रफ निकाल लें या आप अपनी कॉपी निकाल लें, उसमें आप एक जगह लिखते रहें। हमारी वीडियो जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, सभी वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक जगह लिखते रहें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप रिवीजन कर सकें। बार बार हर तरह की कॉपी या बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ हमारा याद करते हैं क्वेश्चनों को, तो आप उसी से अच्छी खासी परसेंटेज अपनी बना सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि देख रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन है, बस आपको क्या करना है, याद करना ही पड़ेगा, जिससे कि आप लाइफ टाइम ना भूलें। एक बार याद कर ले आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ठीक है, रिवीजन करते हैं एक बार फिर से दोबारा से। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, याद रखना एक शब्द है, उस शब्द के अगर एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं, श्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्लिष्ट। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर, मतलब इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लंबा या कह दें चौड़ा बना के थोड़ा समझा के अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ क्या होता है, श्लेष अलंकार। तो आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक मेन डेफिनेशन यही है, लेकिन अगर आप पूरा लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटेगा, बिन देखे बस आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ में आपका उदाहरण देखेगा, तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे, ये गारंटी हमारी है। ठीक है, उदाहरण, मरहा,
आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा जिससे कि आप याद करें। फिर ये आप ना कहें कि हमने तो याद करा था भूल गए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा, ठीक है। उदाहरण सबसे आसान तरीके से, कई बार आपने सुना भी होगा या आपको याद भी होगा, उस उदाहरण को लेके आए। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन। पहली लाइन ये है, रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, ठीक है। याद करते रहे आप, रिवाइज मेरे साथ रिपीट करते रहे, आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है। पानी गए ना उभरे, लिखेंगे पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून, ठीक है। जैसे कि आपको अगर जिन बच्चों को याद होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिन बच्चों के लिए नहीं याद होगा उनके लिए भी आसान है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपने कई बार सुना होगा और ये हमारे स्लेह संकार का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने आपको, एक बार फिर से मैं फेर दे रहा हूँ, दोबारा से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। श्लेष अंकार, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया, फिर आगे देखते हैं। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। समझ में आ गया, अब इसका उदाहरण देखेंगे, बस आप रिवाइज करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और ना अच्छी लगे तब भी लाइक कर दें, जिससे कि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशनल बनता है, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष सुन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।